नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। में एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल KDX यूज ओपिनियन के अंदर। वहीं आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब या वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वहीं दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बज चुका है, जिसके अंदर ABP न्यूज, टाइम्स नाउ और फलौदी सट्टा बाजार ने राजस्थान की 200 सीटों का महा ओपिनियन पोल सर्वे जारी कर दिया है। और इस बार भी पिछली बार की तरह कांग्रेस का पलड़ा भारी होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों, राजस्थान के कोटा जिले में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हुए कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल, और इस बार भी राजस्थान में बनेगी कांग्रेस सरकार। इस वीडियो में देंगे पूरी जानकारी, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और वहीं दोस्तों, RLP और कांग्रेस पार्टी का हुआ बड़ा समर्थन, और BJP के कई बड़े दिग्गज नेताओं ने BJP को चुनाव से पहले ही दिया इस्तीफा। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने कहा है कि गेहूं और फोन देंगे फ्री माताओं और बहनों को। वही दोस्तों, बात करें सर्वप्रथम सीट उदयपुर की, तो यहां को 8 सीटें हैं, 8 में से 3 BJP को, 5 कांग्रेस को, 0 RLP को और 0 ही अदर पार्टी को मिलती नजर आ रही है अब की बार ABP सर्वे के अनुसार। वही दोस्तों, नागौर की को 10 सीटों पर बात करें तो 10 में से 3 BJP को, 5 कांग्रेस पार्टी को, 2 RLP पार्टी को और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन बताया जा रहा है अब की बार। वही दोस्तों, बीकानेर जिले की कुल 7 सीटों पे बात करें ये तो 7 में से 3 BJP को, 4 कांग्रेस को और 0 हनुमान बेनीवाल यानी RLP पार्टी को मिलती नजर आ रही है। अजमेर की कुल 8 सीटों पे बात करें ये तो 8 में से बड़ा ही कांग्रेस को बेहतरीन बहुमत, 6 सीटों का आकलन बताया जा रहा है। BJP को 2 सीट और RLP को 0 सीटों का आकलन बताया जा रहा है अब की बार। जोधपुर जिले की कुल 8 सीटों पे बात करें तो दोनों को समांतर BJP को 4 सीट और कांग्रेस को भी 4 सीटों का आकलन बताया जा रहा है अब की बार 2023 में होगी आगामी चुनावों के अंदर। वही दोस्तों, सीकर जिले की कुल 8 सीटों पर बात करें तो 8 में से 4 BJP को और 4 ही कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही है अब की बार। वही दोस्तों, RLP पार्टी यानी को हनुमान बेनीवाल को 0 सीटों का आकलन बताया जा रहा है अब की बार। वही दोस्तों, अब की बार फिर से कांग्रेस की सरकार, BJP की होगी हार और 2 सीट BJP को और 5 सीट कांग्रेस को। भरतपुर की कुल 7 सीटों में मिल रही है अब की बार। वही दोस्तों, बात करें अगली सीट भीलवाड़ा की कुल 7 सीटों पर तो 7 में से 3 BJP को, 4 कांग्रेस को, 0 RLP पार्टी को और 0 अदर पार्टी को मिलती नजर आ रही है अब की बार रिपब्लिक भारत सर्वे के अनुसार। वही दोस्तों, बात करें बूंदी जिला की कुल 3 सीटों पर तो 3 में से 2 BJP को, 1 कांग्रेस पार्टी को और 0 RLP पार्टी को और 0 अदर पार्टी को मिलती नजर आ रही है KDX न्यूज ओपिनियन सर्वे के अनुसार। वही दोस्तों, धौलपुर जिले की कुल 4 सीटों पर बात करें तो 4 में से 2 BJP को, 2 कांग्रेस को, 0 RLP को और 0 अदर पार्टी को मिलती नजर आ रही है अब की बार रिपब्लिक भारत सर्वे के अनुसार। वहीं दोस्तों, बात करें अगले जिला बीकानेर की कुल 7 सीटों पर तो 7 में से यहां पर अरविंद केजरीवाल को, नहीं सॉरी, BJP को 3 सीट, कांग्रेस को 3 सीट और RLP को भी 1 सीट मिलती नजर आ रही है। अजमेर की कुल 8 सीटों पे बात करें तो 5 कांग्रेस पार्टी को, 3 BJP को, 0 अदर पार्टी को और 0 हनुमान बेनीवाल को मिलती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों, डूंगरपुर की कुल 4 सीटों पे बात करें तो 4 में से 1 BJP को, 3 कांग्रेस पार्टी को और 0 RLP को और 0 अदर पार्टी को मिलती नजर आ रही है आज तक सर्वे के अनुसार। वही दोस्तों, नागौर की कुल 10 सीटों पे बात करें तो 10 में से 2 BJP को, 3 कांग्रेस को और 5 RLP को यहां पर खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है विधानसभा चुनाव 2023 राजस्थान के अंदर। वही दोस्तों, सिरोही की कुल 3 सीटों पे बात करें तो BJP को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 2 सीट, RLP पार्टी को 0 सीट और अदर पार्टी को भी 0 सीटों का आकलन होता दिखाई दे रहा है अब की बार। वही दोस्तों, बांसवाड़ा की कुल 5 सीटों पे बात करें तो 2 BJP को, 3 कांग्रेस को, 0 अदर पार्टी को और 0 RLP पार्टी को मिलती नजर आ रही है अब की बार राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर। वही दोस्तों, जयपुर जिले की कुल 19 सीटों पे बात करें तो 8 कांग्रेस BJP पार्टी को और 11 कांग्रेस पार्टी को और 0 RLP पार्टी को और 0 अदर पार्टी को मिलती नजर आ रही है अब की। तो बात करें अगली सीट अलवर की कुल 11 सीटों पर तो 6 BJP को, 5 कांग्रेस को और 0 RLP को और 0 अदर पार्टी को मिलती नजर आ रही है अब की बार आज तक ABP न्यूज ABP गंगा सर्वे के अनुसार।
भीलवाड़ा की कुल 7 सीटों पे बात करें तो 7 में से 4 कांग्रेस पार्टी को, 3 बीजेपी को, 0 आरएलपी पार्टी को और 0 अदर पार्टी को प्राप्त होती नजर आ रही है। अब की बार राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर बाड़मेर जिले की कुल 7 सीटों पे बात करें तो 7 में से कांग्रेस को बड़ा बहुमत, 5 सीट और बीजेपी को 2 सीट और अदर पार्टी को 0 सीट मिलते हैं। अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद।